हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। आज एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं, वो करते हैं, उसके पहले ले लेते पापा का सुविचार, बाद में मम्मी के साथ बात करनी है तो मम्मी के साथ बात करेंगे। हम आपको जो चीज के बारे में अवेयर करने वाले हैं वो चीज हम मम्मी के साथ बताएंगे, तो पहले ले लेते हैं पापा का सुविचार। गुड मॉर्निंग पापा। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो? सरग अच्छा चल रहा है? हाँ चल रहा है, सब कुछ सही है। चलो सुविचार बता दीजिए। आज का सुविचार है, जीवन में उड़ान तो भरनी ही है, चाहे हाँ। कितनी बार गिरना पड़े, हाँ, वो सपने तो पूरा करना ही है, खुद से कितना लड़ना पड़े। हाँ, लड़ते हैं तभी सपने पूरे होते हैं ना। हाँ, मेरे लिए है। अच्छा, आपके लिए है? आपको उड़ान भरने इसीलिए? कोई नहीं कोई नहीं, बहुत ही अच्छा है। तो पापा ने बहुत ही बढ़िया से सुविचार बताया, सपने पूरे करने के लिए चाहे कितना भी लड़ना पड़े लड़ लीजिए, लेकिन किसी की कॉपी मत कीजिए। तो अभी वो चल रहा है, हमारे मम्मी की चैनल है भावना भजन, वो चैनल में हम जो भी भजन वीडियोस डाल रहे हैं वो सब वीडियो हमारा कॉपी करके कोई फेसबुक में पेज बना दिया है, सब हमारा मम्मी का भजन सब डाल रहे हैं। तो प्लीज भैया या बहन, मुझे पता नहीं है वो कौन है, तो कॉपी मत कीजिए। आप में जो टैलेंट है वो आप दिखाओ, किसी का कॉपी पेस्ट करो, उसमें आप कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे, और बिना परमिशन तो कभी भी नहीं। अगर आपको करना था तो हमारी परमिशन भी आप ले सकते थे, लेकिन परमिशन के बिना हमें पता भी नहीं है, हमें बाहर बाहर से पता चला कि ऐसा कुछ हमारे पीछे हो रहा है। मम्मी से बात करते उसके बारे में। गुड मॉर्निंग मम्मी, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। बताया, तो आपको पता चला आपकी चैनल का कॉपी पेस्ट हो रहा है? मुझे पता चला फेसबुक पर। हाँ, फेसबुक पर तो मालूम नहीं। हाँ, मम्मी तो लाइक भी करते थे। तुमने इसमें लगाया है? हाँ, तो वो हमारी चैनल नहीं है, वो कोई हमारी कॉपी करके पेस्ट कर रहा है, तो सभी हमारे व्यूअर्स को ऐसा नहीं करना। हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, हाँ, ऐसा मत करो। आप में जो टैलेंट, हाँ, टैलेंट हो तो मेहनत करो ना। हाँ, आप में जो टैलेंट हो आप दिखा सकते हो। दूसरी बात, हमने साइबर क्राइम में भी रिपोर्ट कर दी है, तो प्लीज जो भी आप है, भाई है, बहन है, जो भी है, तो वो सब वीडियो प्लीज आप डिलीट कर दीजिए, वरना आपको पता नहीं होगा क्या हो सकता है। तो बस प्लीज आपको दिल से रिक्वेस्ट है कि ऐसी कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। और ये दूसरी बात, हमारे व्यूअर्स के लिए, हम जब भी कोई भी चैनल बना रहे, अगर फेसबुक में बना रहे, इंस्टाग्राम में बना रहे, कोई भी पेज या यूट्यूब में कोई भी चैनल बना रहे, तो हम पहले अपडेट देंगे, हम अपने ब्लॉग में ही बताएंगे। अगर आपको बाहर से पता चले तो वो सब फेक है, लेकिन हम जब ब्लॉग में बताए कि हमारा यह चैनल चालू हो रहा है तभी वो चैनल रहेगी, वरना ये सब फेक ही है। तो बस थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी साइबर क्राइम बहुत ही ज्यादा फैल रहा है, तो जितना हम ध्यान रखेंगे उतना हम सेफ रहेंगे। तो बस यही था हमारा आज का थोड़ा बहुत ज्ञान, तो सेफ रहिए और हैप्पी रहिए। तो कानो हमारा उठ गया है, और यहाँ पे चट रहा है मध और अदरक का पाउडर, है ना मम्मी? सूट है ने मध सूट से। तो अभी लग ही रहा है कि विंटर चालू हो गया, इतनी मस्त मस्त ठंडी हो रही है कि मैं क्या ही बताऊं। और करीश को नाक में बलून जा रहा है, लेकिन सॉक्स भी नहीं पहनना है, कैप भी नहीं पहनना है, कुछ भी नहीं पहनना है। और देखो तो सॉक्स क्या गया तारा, सॉक्स क्या गया, क्या गया सॉक्स? ना पहरा, केम ना पहरा, ठंडी लागे पहरवा पड़े ने। कैप क्या गई तारी, कैप कैप क्या अंदर मुखी छे, यू डोंट नो कानो ठंडी केम लागे, केवी लागे ठंडी, ठंडो पवन आवे, केवो आवे ठंडो पवन, तो स्वेटर पहने, स्वेटर पहराय, पहराय कैप, पहराय सॉक्स, पहराय, नहीं तो नाक माथी पछी पानी आवे आवे। तो भी यहाँ पे ग्रिल लगवा दी, लेकिन कनिष्क को भी यहाँ पे ऊपर चढ़ के सब कुछ देखना है, क्योंकि ये जाली में से कनिष्क को दिख नहीं रहा है पूरी सोसाइटी, तो अभी ऊपर चढ़ेगा और देखेगा, है ना डॉगी डॉगी। यहाँ ग्रिल पे जो भी हम कपड़े सुखाते हैं ना, वो सब गिरा देता है कनिष्क। हाँ, ऊपर चढ़ रहा, ऊपर चढ़ी जा, हाजी ऊपर चढ़ी जा तू ग्रिल ऊपर। और मम्मी क्या बनाएंगे दोपहर को खाने में? सरगवा दूधी निकाली है, दूधी आज बनाएंगे,
दूधी पछ बगड़े जाए एक तो फेंकी दीदी हुकाई गई थी तो हाँ दूधी नहीं खाए करी दूधी पड़ी रहे हाँ, दूधी हम जब भी मार्केट में जाते लेके आते सोचते कोई नहीं होगा ना तब दूधी बनाएंगे लेकिन दूधी दो दिन पड़ी रहती है तो अंदर से ब्लैक हो जाती है हाँ, एक तो मैं फेंकी दीदी तो आज तो फाइनली बनाएंगे सही है चलो आज बनाएंगे दूधी की सब्जी रोज क्या क्या सब्जी बनाए वो हर घर के प्रॉब्लम रहता है पता ही नहीं चलता क्या बनाए अगर मेनू डिसाइड हो जाए ना तो खाना बनाने में देर नहीं लगती लेकिन मेनू डिसाइड करने में बहुत देर लगती और ये आज शाम को हम जा रहे हैं कियान की बर्थडे पार्टी में जो रिंकू ने और चिराग ने अरेंज की है मैं और हार्दिक भाई और दोनों बच्चे जाने वाले हैं अभी देखते हैं हार्दिक भाई का कुछ खास शेड्यूल नहीं होगा तो हार्दिक भाई भी साथ आएंगे हार्दिक भाई को अभी पूछना वो सब कुछ काम वगैरह बाकी है देखते आगे आगे क्या होता है हिजू भी गई है स्कूल पे पापा कर रहे हैं आराम और मैं मम्मी और यहाँ पे करेश यहाँ पे अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि आज हमारे काम वाले बहन नए वाले एक आने वाले हैं देखते हैं वो हमें अच्छे लगते हैं या नहीं अच्छे लगते हैं ना मम्मी हाँ तो हमारा रोज का ऐसा होता है और पेट में गड़बड़ में मुझे अच्छा हो ही नहीं रहा पता नहीं थोड़ा सा भी खाऊ टॉयलेट में दौड़ना पड़ता है थोड़ा सा भी खाऊ क्या होगा होगा मुझे मम्मी पाचन न थियो एना लीधे थियो है तो खाव तरत तो जाऊ पड़े तो पाचन तरत थई जाय छे હજી ઉપર ચડવાની ટ્રાય કરે છે હજી એના જાળીમાં દેખાતું નથી સર તો ગાઈસ આજ અમારે દોપહેર કા મેનુ થા લોકી કી સબ્જી તીખી ઓર રેગ્યુલર ફાફડી હાર્દિક ભાઈ કે લિયે ક્રંચી ઇફેક્ટ કે લિયે ઓર હા આપકો સબ્જી દેખ કે પતા ચલ હી ગયા હોગા મમ્મી ને બનાયા ક્યુંકિ ધનિયા કા એક પત્તા ભી નહીં હૈ મમ્મી ધનિયા ડલા હૈ आपको याद आता ही नहीं है हार्दिक भाई को दूधी वैसे पसंद नहीं है दूधी को मुझे अच्छा लगता है मुझे कोई फरसाण की जरूरत नहीं है चले तो अच्छा लगता है पर तो क्यों लाए वो मन है ना थोड़ा ना नहीं बोल सकता मन के मोड़े हो इसीलिए तो है लेकिन आज मेरे पेट में इतनी ज्यादा गड़बड़ है ना फरसाण कितना भी देखू सूंघू खाने का मन ही नहीं हो रहा है अभी पता नहीं क्या हो रहा है उल्टी उल्टी आते आते रुक जाती है कनिष आने ही नहीं दे रहा है कब से लगता है अभी उल्टी आएगी लेकिन बाद में कनिष ये करता है तो वो भी चली जाती है उल्टी थी जाए ना तो पेट में गुड़गुड़ाट बंद थी जाए हाँ पर नहीं थतू तो हम शू करू पानी जाजो पी जा तो टॉयलेट जाव पड़े अंदर आम लेना के नाम कट जाने हां वो तो थी मैं केडू न कोई दिवस तीन सलाम के दीदी हाथे करे हाथे आवे वक्त तो हां सोडा सोडा बाटली पी लेती हूं हां है ना मम्मी खाई ले ले खाओ दिन छाक तो बहुत हारो टाटो सवेरे में अर्धी भाकरी खादी तो आई नहीं मजा आती खाने की इच्छा ही नहीं हो रही वैसे हमारे घर पे ऐसा होता है जब भी लंच डिनर या ब्रेकफास्ट बनता है ना तो फटाफट से मैं खा ही लेती हूँ क्योंकि हर रोज मुझे भूख ज्यादा लगती है अभी वे फीड भी कर रहा होता है लेकिन ये दो दिनों से कुछ खाने का मन ही नहीं हो रहा है आज तो हम डोसा वाला ने नजर लगी कैसे हां बोलो नाइस तो अपन बधाई खादा तुमने एक ने प्रॉब्लम थे हम लोगों को कुछ को कुछ तो हुआ नहीं आपको एक कोई हुआ है पचा नो એટલે તને અપચો થઈ ગયો ઉતાવળે ખાતા હશે અપચો થઈ ગયો वॉशरूम तो मैं गई थी उनके गोडाउन में बाथरूम था हार्दिक भाई अगर आप गोडाउन देख लेते ना मैंने वो गोडाउन देखा ना बाद में मुझे डोसा भाया ही नहीं अच्छा ही नहीं लगा नहीं यहाँ पे नहीं सभी रेस्टोरेंट में ऐसा ही रहता है जैसे गोडाउन में ऐसा ही रहता है लेकिन क्या है हर रोज हम हमारा घर देखते हैं तो हमें थोड़ा वहाँ पे थोड़ा वो लगता है और ऐसा ही होता है बनाने वाला अच्छा था ना वो पहना था हाँ वो पहना था हैंड ग्लोव पहना था हाँ, वो सब अच्छा था इसीलिए वहाँ पे कोने खबर तो था ये नहीं होता પ્લાસ્ટિક ઈ પેર એનો ટેસ્ટ હોય હા ખરે એટલે
અમે કીધા માથા મુકામ પણ પછી આલે કોઈ તમને ખબર ન આય આલે પહેલા થી બધા માથામાં જ કેમ પહેરે હાથમાં ઠેક આલો ખરાબ હાથ હોય એટલે પહેરતા હશે તમે માથા મુકામ પહેરતા તમને હોય પછી એમ છે માથામાં આ હાથ જેમ તેમ ખંજળતા હોય ને એટલે નહીં કોઈ આવે નહી ને અમારે યા તો એક વાર બોલ દે તે બાલ આયા હતા તો હમ બોલ દે કોઈ ને દૂસરે દી તો અમારે ઘર વાળે તો કિસી કહી પે ઓર તો નહી ચલે જાયગી तो गाइज अभी बात करते हैं हम थोड़ी कमेंट्स के बारे में जो हार्दिक भाई बताएंगे कि क्या क्या आई थी और उसका रिप्लाई भी हम हार्दिक भाई से ही लेंगे। तो हार्दिक भाई आप क्या बता रहे थे हमारे वीडियो के कमेंट के बारे में? आई थी पापा के लिए वो बेड लेने के लिए जाने वाले थे तो हम लोग पापा से ही पूछ लेते हैं क्या है उनका। चलो अभी क्या पापा तो खड़े होके दौड़ने भी लगे। पापा बेड के बारे में आपका क्या कहना है? आपको नहीं चाहिए अभी बेड? नहीं बेड की जरूरत नहीं है। हाँ पापा को सोते सोते सब कुछ आ गया है अच्छी तरह से खाना पीना सब ये सब कंफर्ट है। हाँ कंफर्ट है। अभी दो दिन में तो दौड़ने भी लगेंगे ना पापा? नहीं दौड़ना नहीं है, 20 दिन की तो परहेज रखनी ही है। रखनी है? 20 दिन के बाद धीमे धीमे चलेंगे, दौड़ना नहीं है। धीमे धीमे चलेंगे, धीमे धीमे सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, बाद में निशाने चढ़ेंगे, वो सब चढ़ेंगे एकदम लास्ट में। बेड का मैंने बुक भी करवा लिया था, मैं लेने भी जाने वाला था पर आके पापा को पूछा तो पापा ने ना बोल दिया। हाँ वैसे भी प्रॉब्लम हो रहा था यहाँ पे रूम में, यहाँ पे बेड कहीं सेट नहीं हो पाएगा। वॉशरूम इधर है ना रूम में नजदीक है। हाँ आपके रूम में तो नहीं मम्मी के आपके पापा के रूम पापा के रूम में है ही नहीं वॉशरूम। बेस्ट रूम मेरा ही रूम पड़ता है। पापा आपने हाउस बनवाया तभी ये नहीं सोचा था कि आपके रूम में एक वॉशरूम चाहिए? रेडीमेड लिया है उसमें रिनोवेशन किया है। हाँ तो वो एक टॉयलेट बाथरूम बनवा दिया होता तो आपको अच्छा जगह ही नहीं थी तो अभी नया बनाएंगे ना उसमें सब डिमोलिश करके नया बनाना बंगला। हाँ तब बनाएंगे सब सुविधा हो जाएगी तब हम एक खाटला भी रखेंगे। हाँ खाटला बाटला सब रहे। कल हार्दिक भाई डॉक्टर के वहाँ जाने वाला है फाइल लेके। हाँ तो दिन पूरे हो गए, कल 10वां दिन है। हाँ तो डॉक्टर ने सिर्फ हार्दिक भाई को बुलाया है, पेशेंट को आराम करना है। फाइल लेके आपको ही आना है और उनको कितनी रिकवरी है ना वो आपको बताना है, ऐसा बोला है मेरे को। अच्छा तो आपने आप डॉक्टर को क्या बताएंगे? मेरे पापा अंजीर का हरगवा का मारा रख रहे हैं। वहाँ जाके मैं वीडियो कॉल करके पापा को दिखा दूंगा। तो पापा इतने कॉन्फिडेंस आंसर देंगे ना तो डॉक्टर कहेंगे खड़े हो सर खड़े हो जाओ अभी दवाई की भी जरूरत है हरगवा खाओ। नहीं वो तो दवाई तो टाइम टू टाइम लेनी पड़ेगी। कोई इनका तो प्रोग्राम अभी आपके कोई चहेते आ गए गेट का आवाज आ गए खबर पूछने के लिए। हाँ मामा आ गए तो वो सिलसिला चलता रहता है। और दूसरी बात के कनिष्क के लिए भी कमेंट थी कि प्लग में हाथ डाल रहा था वो तभी। हाँ ये प्लग है ना इसमें उंगली जाती भी नहीं जाती नहीं, ये अंदर लॉक है। हाँ तो ये अंदर ये ऊपर का जाएगा ना तभी ये अंदर का खुलेगा। हाँ तब तक नहीं खुलेगा। हाँ, उसकी उंगली जाएगी ही नहीं। हाँ, तो हम इतना सेफ्टी तो हम रखते ही है लेकिन आपके ने कमेंट की तो हमने सोचा चलो हम बता ही देते। आप इतनी चिंता कर रहे हैं हमारे लिए हमारे बच्चे के लिए तो सबके लिए थैंक यू सो मच। और ये आज का वीडियो भी थोड़ा छोटा आएगा क्योंकि अभी हमें कनिष्ठ सो रहा है तो थोड़ा हेजू को रेडी बेडी करके जाना है हमें ज्ञान की बर्थडे पार्टी में। वीडियो अभी एंड कर देते हैं। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज जल्दी जल्दी। मिलेंगे कल जयदीप के साथ क्योंकि कल आपके चाहते ब्लॉगर घर आ जाएंगे तो कल से मचाएंगे जयदीप। बाय बाय।